जी हैदर भाई साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे आया है गैलअप पाकिस्तान का, और इस पे मैं चाहूंगी कि आप नजर डालें और इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पॉजिटिव ओपिनियन है अबाउट लीडर्स, उसमें इमरान खान का 61% जो है वो दिखाया गया है कि पॉजिटिव ओपिनियन है, विच हैज इम्प्रूव्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ वी कंपेयर इट विद 2018, एंड सिमिलरली फॉर अदर लीडर्स लाइक नवाज शरीफ और मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी, दिस हैज एक्चुअली गॉन डाउन। और 61% अगर उनका पॉजिटिव दिखाया है, तो सिर्फ 36% जो है वो नवाज शरीफ के बारे में लोगों का पॉजिटिव ओपिनियन है। प्लीज टेल मी, क्या फैक्टर्स हैं इसके पीछे? लोग इफ दिस कैन बी बिलीव, तो यह काफी करता है कि जो एक इमरान खान साहब के हवाले से कैंपेन चल रही है कि वो करप्ट हैं और उनका किरदार जो है वो नहीं है जो वो बताते हैं वगैरह, तो वो कितनी असरअंदाज हुई है आवाम पे उसकी भी अक्कासी फिर करता है कि अगर उनकी एक्चुअली फेवरेबल रेटिंग्स बढ़ गई हैं पहले से। जी एक तो और वजह ये हो सकती है, खान साहब जब वजीर आजम थे तो बड़े अनइंस्पायरिंग से वजीर आजम थे और कोई नतायज इतने तसल्ली बख्श नहीं थे उनके गवर्नेंस के, तो ऑपोजिशन में आके लगता है कि उनकी फेवरेबिलिटी बढ़ गई है, एक ये भी फैक्टर हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि देखें, जब आप नेगेटिव जो है वो बातें बहुत ज्यादा करते हैं अपने एडवर्सरी के बारे में टू अ पॉइंट के दुश्मनी लगने लगती है, तो हाँ कहीं ना कहीं फिर वो नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी जो है वो आपको भी अफेक्ट करती है। और हम देख रहे हैं कि पीडीएम के लीडरान जो कि सुबह से रात इमरान खान साहब को गालियां देने में लगाते हैं, तो वो किस तरह से फिर उनकी अनफेवरेबल रेटिंग्स जो है वो उससे बाकायदा बढ़ गई हैं, तो ये बड़ा तश्वीशनाक होना चाहिए पीडीएम के लीडर्स के लिए। इज इट बिकॉज जो उन्होंने पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उनका एक नैरेटिव बना, इज इट बिकॉज ऑफ दैट? या फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये पीएमएलएन या पीडीएम हुकूमत की इनएफिशिएंसी, इनकेपेबिलिटी, ना अहली है जो कि इन कुछ महीनों में नजर आई है, जिसकी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है? खान साहब को इस हद तक फेवरेबली लोग देख रहे हैं बाकायदा, बावजूद इसके कि उनके हवाले से जो 38 चैनल इस वक्त जो बातें कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से उसमें 81 जो है वो खान साहब के नो कॉन्फिडेंस से निकाले जाने की जरूर है, क्योंकि एक इमोशनल उसमें एक लोगों का वो कि उन्होंने डिसअप्रूव किया इस तरह से उनका निकाले जाना। और जहां तक ताल्लुक है नाकिस कारकर्दगी का, तो वो नाकिस कारकर्दगी क्योंकि पीडीएम ने और ज्यादा एक्लिप्स कर दी खान साहब की, तो उनकी अनफेवरेबल हम देखते हैं कि काफी हाई है 60s में से, दैट्स अ प्रीटी हाई अनफेवरेबल। एंड आई थिंक व्हाट दे शुड वॉच फॉर मोर इज द वेरी बैड पार्ट, क्योंकि वेरी बैड, अगर आपको कोई वेरी बैड आपके बारे में एक तासर रखता है, तो हम ये अज्यूम जरूर कर सकते हैं कि बड़ा मुश्किल है कि वो आपके लिए कभी भी बनेगा। ये जरूर हो सकता है कि वो आपके मुखालिफ से नाला हो जाए और किसी और को वोट दे घर बैठ जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल से होता है कि कोई आपको इस हद तक अनफेवरेबली देखे और फिर आपको जो है वोट भी करे 2 साल 3 साल बाद उसका दिल इस हद तक बदल जाए, क्योंकि फेवरेबिलिटी हैज टू डू विद इमोशन एज वेल, हाउ यू सी समवन। तो खान साहब जनरली डज वेल विद दैट। वन वुड हैव थॉट कि जो मलबा उन पे गिरा है उनकी लैक ऑफ परफॉर्मेंस का, और फिर जो उन पे हमलावर हुई है पीडीएम मीडिया जिस तरह से में ये बातें जो रिफ्लेक्ट भी हुई हैं, तो अगर उसके बावजूद उनकी फेवरेबल रेटिंग बढ़ रही है तो पीडीएम को जरूर नजरसानी करनी चाहिए कि ये जो रात दिन बैठ के खान साहब की बुराइयां हैं इसकी जगह थोड़ी इंस्पिरेशनल अपने बारे में बातें करें। एक और चीज जो एक आयरिस कम्युनिकेशंस की जो मैं बात करी थी, उसमें भी कुछ सर्वे हुआ है, और उसमें जो वोटर शिफ्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हैदर साहब, और उसपे मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि उसमें पंजाब के भी नंबर्स हैं और ओवरऑल नंबर्स भी हैं। तो जिन लोगों ने 2018 में वोट किया था पीटीआई के लिए, तकरीबन 78% लोग अब भी उनमें से पीटीआई के लिए वोट करना चाहते हैं। लेकिन पीएमएलएन को अगर हम देखें, तो जिन लोगों ने वोट किया था 2018 में उनके लिए, उसमें से 69% वोट करना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए, पीएमएलएन के लिए, लेकिन 20% लोग अब पीटीआई के लिए वोट करना चाहते हैं। तो ये एक शिफ्ट ऑफ वोट्स जो है, जबकि पीटीआई का जो वोटर है उसमें से सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि पीएमएलएन या पीपीपी के लिए हम वोट करना चाहते हैं, लेकिन पीएमएलएन का वोटर एक बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है 20% का। और ये फिर प्रोविंस वाइज भी है, जिसमें पंजाब में अगर देखा जाए तो ये नंबर 21 से 22% है,
तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो चलती ही इसलिए हैं, अपना नैरेटिव बनाती हैं कि वो अपने जो वोटर्स हैं, जो ऑलरेडी वोटर्स हैं, उनको जो है रिटेन करेंगी और फिर अपने वोट बैंक में एडिशन करेंगी। लेकिन एडिशन करना तो दूर की बात है, ऐसा लग रहा है पीएमएलएन तो अपना वोटर भी रिटेन नहीं कर पा रही। खास करके जबकि नए जनरेशन में कहा जाता है खान साहब ज्यादा मकबूल है, तो रिटेन करना तो एक एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाता है फिर बाकी पार्टीज के लिए, क्योंकि आइंदा और नए वोटर्स में अगर कुछ खसारा है तो आप अपने एग्जिस्टिंग वोटर्स को लूज भी साथ अगर कर रहे हैं तो फिर तो जाहिर है कि एक डबल प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए। तो बट ये जो अभी का हम माहौल देख रहे हैं और फेवरेबल अनफेवरेबल भी देख रहे हैं, तो फेवरेबल जिनका ज्यादा होता है वो उनका ज्यादा चांस होता है कि वो दूसरी पार्टी से किसी को अट्रैक्ट कर लें। पीएमएल नून से अगर 20% लोग अब पीटीआई को वोट देने को तैयार हैं तो वो इस चीज की भी अक्कासी करता है कि वो उन्हें इमरान खान से उस हद तक नफरत नहीं थी जिस हद तक पीटीआई के वोटर को शायद पीएमएल नून या पीवीपी से है। एक बड़ी परसेंटेज पीटीआई की पीएमएलएन की ये भी चाहती है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ जाए, तो क्या उनके आने से ये इसमें कोई तब्दीली देखी जा सकती है आपके ख्याल में? नवाज शरीफ साहब वो जो एक मूवमेंट है फ्रॉम पीएमएलएन टू पीटीआई, आई थिंक उसको वो स्टेम कर सकते हैं, वो अपनी पार्टी को जरूर मुतहरिक कर सकते हैं, वो अपनी पार्टी में भी फिर से जो है वो ला सकते हैं। लेकिन क्या जहां पे पीएमएल नून और नून के वालिद का बच्चा पीटीआई में अगर चला गया है तो क्या वो उस चीज को रिवर्स कर सकते हैं? क्या ये एक रिवर्सेबल चीज है या वो शुरू से ही बच्चा पीटीआई का था और आज बस बड़ा हो गया है? तो उस खानदान में जहां बाप पीएमएल नून में है और बच्चा जो है वो पीटीआई में है, तो वो तो बच्चा तो कभी भी नून में था नहीं, लेकिन वो नून के माहौल के बावजूद अगर पीटीआई में गए तो वहां पे नवाज शरीफ साहब की प्रेजेंस अफेक्ट करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि यंग जनरेशन जो है वो उसके लिए नवाज शरीफ साहब जो है वो कितने बड़ी फिगर रहेंगे, क्योंकि आई थिंक लाइक आई सेड एज फार एज द पार्टी इज कंसर्न्ड आई थिंक ही विल बी अ ह्यूज फैक्टर, बट विल दैट बी इनफ? द फिगर्स शो नो, फिगर्स शो दैट दे नीड मोर देन दैट। और अच्छा, क्या वहां पे भी वही असर होगा मियां साहब हाँ का? ये दैट रिमेन्स टू बी सीन। बिल्कुल। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिस पर मैं बात करना चाहूंगी हैदर भाई साहब, सर्वे जो आया है, विच पॉलिटिकल लीडर्स स्पीचेस हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पब्लिक परसेप्शन, ये डिस्कस करना यहाँ पे बेहद रेलेवेंट हो जाता है जब इमरान खान की स्पीचेस और बयानात पे पाबंदी लगाई जाती है और उस चैनल को बैन कर दिया जाता है जो ये दिखा रहे हैं। तो इमरान खान इसमें भी आगे हैं, 55% जो है वो इनका परसेंटेज है, दे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पब्लिक परसेप्शन इनकी जो स्पीचेस हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए खान साहब एक इफेक्टिव कैंपेनर है, ये बात तो ऑब्वियस है, क्योंकि ही वाज वेरी अनइंस्पायरिंग एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल ऑफ अ सडन ही कम्स आउट एंड ऑन द स्टंप एंड द होल वर्ल्ड पॉलिटिकली चेंजेस फॉर हिम। तो वो उनकी स्पीच का इम्पैक्ट तो जो है आई थिंक के उसके फिगर्स मुझे सरप्राइज नहीं करते, और इसीलिए ये आई थिंक के नून लीग के बहुत फेवर में जाएगा कि अगर वो किसी वजह से कैंपेन नहीं कर पाते, चाहे वो उनकी इंजरी हो, सेफ्टी के इशूज हों या वो जेल में हों, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इलेक्शन में खान साहब की स्पीचेस, खान साहब की कैंपेनिंग। लेकिन ये जो मैं फिगर्स देख रहा हूं इसमें मुझे जो सबसे अजीब बात लगी कि मरियम नवाज को जो इन्होंने 1% पे अगर रखा है तो शी इज वो मेरे डाउन द लिए लिस्ट एट वन बिलीवेबल परसेंट बिलीवेबल हाँ तो वो मेरे लिए बिलीवेबल नहीं है, क्योंकि मेरे मेरे ख्याल से जो हम देखते हैं वो बिलाए होती है इस बात के, 1 तो नहीं हो सकता। ये बात जरूर है कि देखें आप जब जलसे में यू आर जनरली टॉकिंग टू द कन्वर्टेड एंड हम्म। मरियम साहिबा शी रियली अपील्स टू द वर्कर टू द कन्वर्टेड बिकॉज वो वेट कर रहा होता है कोई इमरान खान को तो आगे से टक्कर ले, जवाब दे, गाली दे। तो वो जब देखता है कि मरियम साहिबा में वो करेज है, उनमें वो दम है, क्योंकि शहबाज शरीफ और बाकी लीडरान जो है वो एक पुरानी तरह से सियासत कर रहे हैं, वो खान साहब को टेक ऑन जरूर करते हैं, लेकिन अता तारड़ और मरियम नवाज ही हैं जो एक्चुअली इस हद तक टेक ऑन करते हैं और अता तारड़ को उतने लोग सुनते नहीं। तो मेरे ख्याल से मरियम नवाज की स्पीच का अफेक्ट खासकर इमरान खान हेटर्स, उनकी पार्टी वर्कर्स और कन्वर्टेड के हवाले से बहुत ज्यादा है जी, एक और नवाज के इंटरेस्टिंग ऊपर। चीज हैदर साहब के जो मैं देख रही हूँ ये पॉजिटिव ओपिनियन, उसमें 61% इमरान खान है, 36% नवाज शरीफ साहब है, तो थर्ड पे बिलावल भुट्टो जरदारी का नंबर है और फोर्थ पे मरियम नवाज साहिबा का नंबर है, विच इज 34%। तो कोई ज्यादा फर्क
जो है वो हम नहीं देख सकते सेकंड थर्ड पोजीशन में। शहबाज शरीफ साहब फिर 32% पे हैं, मौलाना साहब 31% पे हैं। तो एक तरफ इमरान खान अगर 61 पे हैं और बाकी जो है वो 30s में ही नजर आ रहे हैं, इतना ज्यादा फर्क नहीं है इनका आपस में। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो पीडीएम के नून लीग के वोटर हैं दे आर वेरी वेरी क्लोज, 36-34 मरियम, 32 शहबाज शरीफ। जी बट बिलावल का 36 होना ठीक है, बिलावल इज नॉट व्यूड नेगेटिवली बट ही इज ऑल्सो नॉट व्यूड वेरी फेवरेबली, ही इज समवॉट इन द मिडल अदर देन सिंथिया अगर बात करें। बट जरदारी साहब अगर 27 है, तो इफ जी आई एम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और नवाज शरीफ, आई वुड बी कंसर्न कि मैं आसिफ अली जरदारी से सिर्फ 3 और 4 7% बेहतर हूं, मेरे लिए ये तशवीश की बात होती है।